शहर में 3 माह में शुरू हो गई। साइकिलों का परिचालन नोएडा एसएनबी ई साइकिल चलाने के लिए प्राधिकरण ने 2 कंपनियों का चयन किया है। अधिकारियों का दावा है कि 3 महीने में 62 स्टैंडों से ई साइकिलों को परिचालन शुरू करा दिया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शहर में 62 जगह ही डॉकिंग स्टेशन पहले ही बनाए जा चुके हैं। इनके निर्माण पर प्राधिकरण ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हर स्टेशन पर 10 ई साइकिल खड़ी हो सकेंगी। ऐसे में पहले चरण में सभी स्टैंड से 620 ई साइकिल चलाई जाएंगी। एक कंपनी 310 साइकिलों का संचालन करेगी। साइकिल चलवाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार कर ई निविदा जारी की गई थी। अब टेंडर के माध्यम से 2 कंपनियों का चयन कर लिया गया है। एक कंपनी प्लानेट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी टर्बन मोबिलिटी LLP कंपनी है। प्राधिकरण के नोएडा ट्रैफिक सेल प्रभारी SP सिंह ने बताया कि जिसे साइकिल की जरूरत होगी वो स्टैंड से ऐप के माध्यम से साइकिल प्राप्त कर सकते हैं। साइकिल मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक की जा सकेंगी और भुगतान भी डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। हर साइकिल पर 1 QR कोड होगा जिसके जरिए भुगतान की सुविधा मिलेगी। जरूरी नहीं कि जिस स्टैंड से साइकिल ली है उसी पर जमा करनी होगी। किसी स्टैंड पर साइकिल जमा कर सकते हैं। ई साइकिल चलने से वाहनों की संख्या में कमी आएगी जिससे प्रदूषण भी कम होगा। इस परियोजना में शहर में 62 स्टैंड बनाए गए। 2 कंपनियों का किया गया चयन। प्राधिकरण दोनों एजेंसियों को खुद से कोई पैसा नहीं देगा। प्रत्येक स्टेशन पर 50-50 वर्कफिट में विज्ञापन के जरिए संबंधित कंपनी कमाई कर सकेंगी। इससे कंपनियां साइकिलों का संचालन व मेंटेनेंस का काम करेगी। लोगों को ई साइकिल के लिए 199 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में देने होंगे। साइकिल लेने पर 5 रुपए रिजर्व प्राइस और फिर 2 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से शुल्क देना होगा। इसके अलावा 50 पैसे प्रति मिनट वेटिंग चार्ज भी देना होगा। इस परियोजना को फिट इंडिया मूवमेंट एंड क्लीन नोएडा मिशन के तहत शुरू किया जाएगा। इन जगहों पर बनाए गए हैं साइकिल स्टैंड सेक्टर 2 SBI बैंक सेक्टर 3 भूमिगत वाहन पार्किंग सेक्टर 6 प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर -12 जेड ब्लॉक मार्केट सेक्टर -15 मेट्रो स्टेशन सेक्टर -16 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 16 APJ स्कूल सेक्टर -18 बहुमंजिला पार्किंग सेक्टर -18 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 20 प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर -21 नोएडा स्टेडियम सेक्टर -25 मार्केट सेक्टर -29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर -29 ब्रह्मपुत्र मार्केट सेक्टर 30 जिला चाइल्ड अस्पताल सेक्टर -33 ARTO ऑफिस सेक्टर -38 बोटेनिकल गार्डन बस डिपो सेक्टर -38 बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन सेक्टर -39 सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन सेक्टर -39 जिला संयुक्त अस्पताल सेक्टर -44 महामाया स्कूल सेक्टर 50 मार्केट सेक्टर -52 मार्केट की अंदरूनी सड़क सेक्टर -57 एयरटेल ऑफिस सेक्टर -58 पुलिस चौकी सेक्टर -59 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 60 AVP रोड सेक्टर -62 डॉट मॉल मार्केट सेक्टर 62 B ब्लॉक मार्केट सेक्टर -62 सैमसंग बिल्डिंग आदि।